नेम प्लेट यानी नाम की पट्टी। वैसे तो लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं, लेकिन यूपी में अब दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। पहले भी कावड़ यात्रा के दौरान इस तरह का आदेश यूपी सरकार की तरफ से दिया गया था, जिस पर खूब सियासत भी हुई थी। अब फिर से इस तरह का आदेश योगी सरकार की तरफ से आया है। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, किन हालात में लिया है, इस फैसले के सियासी मायने क्या हैं? पहले इस तरह के आदेश का विरोध करने वाले जयंत चौधरी अब क्या करेंगे? तो आज इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो यूपी में योगी सरकार एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट चुकी है। सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले कर रही है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नेम प्लेट पर कावड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया था। इस फैसले पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब हंगामा हुआ और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा था। आदेश के मुताबिक किसी कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली सभी दुकानों, ढाबों और होटलों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था। अब एक बार फिर से सरकार ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने वाला आदेश दिया है। दरअसल हाल ही में यूपी के कई शहरों से थूक, पेशाब, ऐसी मिलावट घटनाओं के सामने आने के बाद सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी किया है, जिसके तहत होटल, ढाबों और खाने पीने की दुकानों की जांच की जाएगी। साथ ही खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मैनेजर और कर्मचारियों को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने हाई लेवल बैठक में ये निर्देश दिया है, जिसको लेकर पूरे यूपी में अब हंगामा भी है और इसको कड़ाई से लागू करवाने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में सहारनपुर के एक होटल में रोटियां बनाते वक्त उन पर थूकने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उस होटल के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं गाजियाबाद में भी फलों के जूस में पेशाब मिलाने वाले दुकानदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नोएडा में भी कुछ ही महीने पहले जूस में थूक मिलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में ह्यूमन वेस्ट मिलाना विभत्स है और ये सब स्वीकार नहीं है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ढाबों, रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में यूपी विधानसभा की खाली हुई सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने है। खासतौर पर अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। बीजेपी बीते 10 साल में लोकसभा की सीटों के मामले में जो कभी नंबर एक पार्टी हुआ करती थी, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सपा सीटों के मामले में बीजेपी से आगे है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में सिमटी रही सपा ने इस बार यूपी में सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है, और वो भी क्यों ना। और बीजेपी अपनी करारी हार को अब तक बचाने की कोशिश में है। उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरे दमखम के साथ यानी अपने कोर एजेंडे पर लौट रही है, तो सपा को पीडीए के नारे पर पूरा एतबार। जब कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट के आदेश पर खासा विवाद हुआ था, तब बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने नेम प्लेट वाले आदेश पर सपा के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार का विरोध किया था। जयंत ने कहा था कि कावड़ यात्री जाति और धर्म देखकर दुकान पर सेवा नहीं लेते, मुझे लगता है फैसले सोच समझ कर नहीं लिए गए। चौधरी ने कहा कि कहां कहां लगाओगे नाम, क्या आप कुर्ते पर भी लिखवाना शुरू कर दें कि किससे हाथ मिलाना है और किससे गले लगना है। जयंत ने एनकाउंटर के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा था। जयंत चौधरी ने कहा है कि एनकाउंटर की जरूरत नहीं है, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि उसे गोली चलाने की जरूरत ही ना पड़े। वर्दी का खौफ इतना होना चाहिए कि अपराधियों पर लगाम कसी जा सके, ताकि एनकाउंटर की जरूरत ही ना पड़े। जयंत ने आगे कहा कि मुठभेड़ में एक प्रक्रिया शामिल होती है और जांच की जाती है, जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक नेताओं को इस पर बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब आपको बता दें कि इससे पहले इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आए। अखिलेश ने कहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है। अखिलेश ने यह बयान मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद दिया था। जिस तरह से जयंत अखिलेश की लाइन पर योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, उससे बीजेपी के लिए उपचुनाव में भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जयंत एनडीए में शामिल हुए थे, उनकी पार्टी योगी सरकार का हिस्सा है। वहीं जयंत खुद केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री। लोकसभा चुनाव में जयंत की पार्टी ने यूपी की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बागपत और बिजनौर सीट पर आरएलडी ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उसके बाद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जयंत चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया गया था। यूपी विधानसभा में आरएलडी के 9 विधायक हैं। इसके अलावा विधान परिषद में उनका एक सदस्य है।
आरएलडी विधायक अनिल कुमार योगी सरकार में मंत्री हैं। तो एक बार फिर से अब नेम प्लेट वाला आदेश योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में जयंत चौधरी का इस मसले पर अब क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। कहा भी जाता है कि आरएलडी की राजनीति मुस्लिम और जाट वोटर के इर्द गिर्द घूमती है, लिहाजा नेम प्लेट वाले आदेश का विरोध करना जयंत चौधरी की सियासी मजबूरी भी हो जाती है। आरएलडी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है, जहां मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। इसलिए जयंत कभी भी बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन करते दिखाई नहीं देते। बहरहाल सियासत में कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले पाला बदलने वाले जयंत चौधरी अखिलेश की तरह योगी सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार नेम प्लेट के जरिए अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में, लिहाजा आगामी उपचुनाव में सीएम योगी के हिंदुत्व और अखिलेश के पीडीए में से कौन सी नीति पर जनता भरोसा जताती है, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा जरूर तय हो जाएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।